जो 50 बरस ऑफ अपोजिशन में रहा उसे अपना अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है। ये कैसा अपोजिशन है जिसने जिंदगी भर सरकार से लड़ाई लड़ी और जब कोई इसके विरुद्ध बोल रहा है तो वो सुनने को तैयार है। मैं तब आज जाने आ रहा था तो मुझे अब्दुल रहमान की याद आ रहा था और मैं सबसे पहले अब्दुल रहमान के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उसको शहादत का मौका अता करे। एक ऐसा बच्चा जो जामिया में दाखिल होने का ख्वाब देख रहा था उसके ख्वाब को भी इसने चकनाचूर कर दिया। ये बड़ी हैरत की बात है कि हम आज अपने स्टूडेंट्स और अपनी माओ और अपने भाइयों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी सरकार, ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था जो अपने बच्चों और अपनी माओ और अपने भाइयों की आवाज न सुने उसी को फांसीवाद कहते हैं, उसी को नाजीवाद कहते हैं। कभी कभी इसको बड़ी हैरत होती है कि हमको क्यों कहा जाता है कि ये फांसीवादी है, ये नाजी फिक्र के हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये करोड़ों लोग जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उनको नहीं सुनना ही फांसीवाद है, उन्हीं को नहीं सुनना ही नाजी है। बताओ बड़ी अहम बात और वो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से इनको क्या उम्मीद है? क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये नहीं रहे? क्या दुनिया की कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा आंदोलन जो यूनिवर्सिटी और जामिया के स्टूडेंट्स के बगैर कामयाब हो गया? याद रखना चाहिए कि जिस तहरीक में जवान शामिल होते हैं उस तहरीक को कोई रोक नहीं पाता है। सारी दुनिया का माना हुआ उसूल है, ये तयशुदा बात है कि जवान जिसमें शामिल हुआ वो तहरीक जवान हो गई और जिस तहरीक में बूढ़े शामिल हुए उस तहरीक को जवानों के सामने ठहरना मुश्किल होता है। होना तो ये चाहिए था कि ये बूढ़े जो अपनी अधेड़ उम्र पार कर चुके हैं इन्हें तो कहना चाहिए था कि आइए आप देश संभालिए, आपके हाथ में हम देश देते हैं, आप रोशन फिक्र हैं, आप सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये चंद लोग हैं जो ये मामूली से मसले को उठाकर इतना बड़ा बना रहे हैं। मैं बातों को रिपीट करने की बजाय एक और अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो ये कि ये मसला संविधान बचाने का भी है और आप अभी देख रहे होंगे कि इस मसले से एक और अहम मसला निकल के सामने आ गया जो आज तक नहीं आया था कि केंद्र से राज्यों का टकराव शुरू हो गया। जो मरकज है उससे रियासत का टकराव कभी नहीं हुआ। ये फेडरल मुल्क इत्मीनान के साथ संविधान के सहारे चल रहा था, अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया कि अब सेंटर और स्टेट इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ पैदा हुआ है ये कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पैदा करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस सरकार के साथ चुनाव हो गए हैं इसको बाकी रखिए, कायम रखिए, जो दोस्त और जो बहने नहीं आ पा रही हैं उनको भी बुलाइए। सरदार जी ने जो बात कही वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी भरी, समझदारी भरी है, हम उससे इत्तेफाक करते हैं। मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, जामिया और जामिया से जुड़ी हुई, JNU से जुड़ी हुई, शाहीन बाग से जुड़ी हुई, गली गली में पनप रही और हर दिल में पनप रही तहरीक को सलाम करने और सपोर्ट करने आया हूँ ताकि उसके साथ थोड़ी देर खड़ा रह जाऊँ। अभी से बात कहता है कि जो मकबूर के साथ खाना खा ले वो भी बख्शा जाता है, जो मकबूर से मुसाफा कर ले वो भी बख्शा जाता है, जो मकबूर के महल में खड़ा हो जाए वो भी बख्शा जाता है। इससे ये सबक मिलता है कि जो तहरीक के साथ खड़ा हो जाएगा वो भी तहरीक का सवाब पाएगा। इसीलिए हम सबको इस तहरीक में शामिल होना चाहिए और शामिल है और यकीनन घबराने की बात नहीं है। इनकी घबराहट तो आया है, इनकी घबराहट इनकी लाठी से पता चलती है, इनकी घबराहट उस
मार काट से पता चलती है जिसको ये कुछ कर चुके हैं और कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हैं। आखिरी बात ये कहते हुए मैं अवसर होना चाहता हूँ कि ये कैसी सरकार है कि अब तक 20 से 30 लोग मर चुके इस एजुकेशन में, दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान की सतह पर यूपी में सबसे ज्यादा मरे और कर्नाटक में मरे, एक बार भी इस सरकार ने एक मौत पर भी अपनी पशेमानी अफसोस कंडोलेंस नहीं किया। भला ऐसी कोई सरकार हो सकती है? ये तो सीधी सीधी फासिस्ट और गांधी बात है कि आदमी मर रहा और आपको एहसास तक नहीं हो सकता। गांधी के मरने पर आपने एक बार, बच्चों के मरने पर एक बार भी आपने कोई अफसोस का इशारा नहीं किया। इससे पता चलता है कि जब आप देशवासियों के मरने से चिंता नहीं करते तो आपके लिए संविधान मानने भी आसान है। इसलिए कि याद रखिए, संविधान से भी बड़ा है देशवासी। देशवासी संविधान बनाता है, इसलिए संविधान से भी बड़ा है देशवासी। पीपुल ऑफ इंडिया, हम बनाते हैं संविधान। जिसने पीपुल का ध्यान नहीं दिया वो क्या जाने सिटीजनशिप, वो क्या जाने सिटीजन और वो क्या जाने कॉन्स्टिट्यूशन। ये आम आदमी, ये औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान, यही असल भारत है। जिसने इसको नहीं समझा उसने भारत को नहीं समझा।